दोस्तों, पठान के सुपरहिट होने के बाद अब फैन को शाहरुख खान की आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी जवान का इंतजार है। जवान को साउथ के डायरेक्टर एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पठान मूवी तो एक्शन का सिर्फ ट्रेलर है, असली एक्शन तो अभी बाकी है। आपको बता दें कि जवान मूवी की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है और उस शूटिंग के बिहाइंड द सीन को देखकर लगता है कि यह मूवी रियल एक्शन ड्रामा होने वाली है। इस मूवी की कुछ स्टोरी सोशल मीडिया पर लीक हुई है, उसके अनुसार जवान मूवी में शाहरुख खान अपनी बीवी की मौत का बदला लेता है और बदला लेने के लिए जो माइंड गेम प्लान करता है वही इस मूवी का असली गेम है। मूवी के एक सीन में शाहरुख खान ट्रेन में बहुत सारे को-स्टार के साथ मुंह पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं, मतलब एक ऐसा हीरो जो अपनी पहचान में सस्पेंस रखता है और खतरनाक दिखाई देता है। जवान मूवी में बहुत कम VFX का इस्तेमाल किया गया है। जवान मूवी की बची हुई शूटिंग मार्च तक खत्म कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मूवी पूरी होने के बाद कुछ सीन को दोबारा से फिल्माया जाएगा, लेकिन फिल्म अपने तय समय पर 2 जून को ही रिलीज होगी। फिल्म मेकर्स को इस मूवी से पठान से भी ज्यादा कमाई की उम्मीद है, क्योंकि पठान ने केवल हिंदी बेल्ट में अपना जलवा बिखेरा है, लेकिन जवान मूवी में साउथ के स्टार विजय सेतुपति व नयनतारा की वजह से यह मूवी साउथ में भी कमाई के रिकॉर्ड बना सकती है। साउथ डायरेक्टर एटली भी स्टार रह चुके हैं। वैसे भी जवान एक पैन इंडियन फिल्म है। वैसे भी जब किसी स्टार की मूवी सुपरहिट होती है तो दर्शकों को उनकी दूसरी मूवी का इंतजार रहता है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं है कि शाहरुख खान ही ऐसे स्टार हैं जो बॉलीवुड की डूबती नैया को किनारे पर ला सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जवान मूवी दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।